The torque on a current loop magnetic dipole, it's a part one. So system is not working in a right way, so I'll try to break it into parts. So अभी हम टॉर्क के बारे में क्या जानते हैं, अभी पहले हेडिंग के ऊपर चलते हैं कि हेडिंग के बारे में अभी तक हमें कितना पता है. तो टॉर्क का मतलब होता है कि उसका मैथमेटिकल वे है टॉर्क एज यू हैव स्टडीड इन प्लस वन, दिस इज आर क्रॉस एफ. ओके, और करंट लूप का मतलब ऐसा होगा, एक ऐसा लूप जिसका बिगिनिंग और जो एंड पॉइंट है दिस मीट एट ए पॉइंट, इट्स ए लूप, और इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा. हम पहले हेडिंग का मीनिंग समझते हैं. मैग्नेटिक दैट विल बी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल दैट हैज टू एंड्स एंड इट्स ऑल अबाउट इट. सो नाउ अभी तक हम पहले एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर ही बात करेंगे और उसके बाद हम इस आर्टिकल को अपने पुराने नॉलेज के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे. तो अभी तक आपको इलेक्ट्रिक का जो डाइपोल के बारे में पता है, हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. तो हम पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम चर्चा करते हैं, फिर हम देखते हैं कि दोनों में कितनी समानताएं थी. तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते हैं, पहली बात. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद हाउ टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड. सी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ ऐसे लगाते हैं, ये आपका एक एंड हो गया और ये आपका दूसरा एंड हो गया. सो दिस इज बट द पॉजिटिव प्लेट इज एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट. ओके, सो वन पॉजिटिव प्लेट एंड अनदर नेगेटिव प्लेट. अच्छा, पॉजिटिव प्लेट से लाइंस ऑफ फोर्सेस पैदा होती हैं और नेगेटिव प्लेट के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इसको ध्यान से सुनना है, फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला सब खुद समझ आ जाएगा. इसके बीच में हम डाइपोल रखते हैं जिसका नेगेटिव एंड ये हो गया और पॉजिटिव एंड ये हो गया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L होगा, ये आपने पढ़ रखा है. ये डिस्टेंस जो है वो 2L है. अच्छा, इसमें एक इस अरेंजमेंट से एक फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. अब आप यहाँ देखें कि आपने जो आपका जो डाइपोल है उसको आपने किसी एक एंगल के सब ऊपर रखा है, इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एक एंगल बना रहा है, इसको हम कह देते हैं कि थीटा एंगल के ऊपर अरेंज किया, ये हमने पढ़ रखा है. और इस एंड के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, एंड दिस फोर्स इज फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्यू इन टू ई. ओके, और क्या पढ़ा है हमने इसके बारे में, कि जो नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इन टू ई प्लस माइनस क्यू इन टू ई इज इक्वल टू जीरो, ये हमने पढ़ रखा है. अब हम इसको ध्यान में रखते हुए और एक बात और जो जरूरी है करना, जो इसमें से टॉर्क आएगा जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो उसका जो आंसर आता है वो पी क्रॉस ई आता है. मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको हम भविष्य में इस्तेमाल करेंगे. अब आपको इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है, और आगे चलते हुए आपको जो अपना अपना जो प्रेजेंट आर्टिकल है हमारा, टॉर्क ऑन ए करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल, राइट, सो इसको हमने अब करना है. अब मैं अपने आर्टिकल को शुरू करता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड वाले आर्टिकल को आपने बिल्कुल वैसे ही ध्यान में रखना है. अब मैं क्या करूँगा, जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट ली, इसकी जगह में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड में जो पॉजिटिव प्लेट का काम करेगा वो नॉर्थ पोल करेगा. सो एंड इट विल स्ट्रिक्टली बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, इट विल स्ट्रिक्टली बिहेव लाइक अ पॉजिटिव प्लेट. आई एम सॉरी फॉर इट. ये देखिए आप, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट हो गया, और जो दूसरा पार्ट रहा इसको ऐसे बनाते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया साउथ पोल. नाउ दिस साउथ पोल विल बिहेव लाइक नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एंड दिस बिहेव लाइक अ पॉजिटिव प्लेट. ओके,
सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट. ओके इट्स जस्ट सो एंजॉयबल आउटसाइड एंड इट इज साउथ टू नॉर्थ इनसाइड. दिस विल बी यूज्ड बाय मी लेटर ऑन. अभी तक आपको यहाँ तक कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा. ओके सो हमने ये बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की ओर होगा. ओके एंड इट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर. दूसरी बात है कि यहाँ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए जो करंट लूप है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. ओके मैं क्या करता हूँ, एक लूप ऐसे लेता हूँ, दिस इज ए रेक्टेंगुलर लूप. ओके सो दिस लूप इज कनेक्टेड टू द दिस लूप इज कनेक्टेड टू द बैटरी हियर. सो व्हाट बैटरी इज डूइंग, बैटरी इज प्रोड्यूसिंग द करंट, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी प्रोड्यूसिंग द करंट एंड देन करंट गो थ्रू दिस सेक्शन ऑफ द वायर लाइक दिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ओके सो नाउ हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके सो अब देखिए आगे के, अब हमने हमारा जो ये किस तरीके से ये मैग्नेटिक डाइपोल का काम करेगा, आप इसको मैं राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं. आप राइट हैंड थंब रूल जब लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपना फिंगर्स को जब इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, इफ यू विल कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी toward the direction of the thumb. So, जो इसका magnetic dipole movement that is represented by M will be in particular downward direction. So, मैं एक इसका एक axis बना देता हूँ. This is the axis of your rectangular loop. So, this is the direction of magnetic field. And this is the direction of the magnetic dipole movement, M. Okay? This means magnetic dipole moment created at this moment here at this point is at an angle of 90 degree with magnetic field. Okay. Now as the questions to torque is concerned, so torque could be determined. उसका जो formula होता है torque यदि आप निकालते हैं तो torque होता है r vector from the axis of rotation cross f vector, right? So we have to determine now the force acting on this current loop. To determine the force on this current loop, but we have to do, हमें पता होना चाहिए कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में जब हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट लूप पढ़ते हैं तो उसके लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं. फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज करंट इन द लूप, दिस इज एल क्रॉस बी. रिमेंबर करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. And it is in the, this length is taken in the direction of the current. And this is the external magnetic field. Take care of this. Now here, you just see, is end ka main naam likh deta hun. I mean, isko mark kar deta hun. End A, this is B, this is C, and this is D. Okay? So for end A, B, main isi formula ko yahan istemal karta hun. I will mark this as equation number 2. Okay? F1 लिखता हूं मैं, F1 is equal to magnitude of force on the arm AB. इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं AB की बात कर रहा हूं. So, इसमें ये है I, L, B and sin 90 degree. Just see here, यहां यदि मैं फील्ड को मार्क करूं AB एंड के ऊपर तो जो लेंथ है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में अपर डायरेक्शन में है और जो
फील्ड का डायरेक्शन जो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, यू आर लेफ्ट विद, एंड और सेम यहाँ भी ऐसा ही है, सी और डी एंड के ऊपर भी ऐसे है, बी और डी एल के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आगे, दिस इज इक्वल टू एफ टू वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू फोर्स जो है वो सी डी, और ये सारा मिलके क्या बन जाएगा आई। नाउ दिस लेंथ इज टेकन टू बी एज, ये जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट है इसको मैं बी लिख देता हूँ, और जो इसका विड्थ वाला पार्ट है बी और सी वाला पार्ट है इसको मैं ए लिख देता हूँ। ओके नाउ सी हियर, इट इज इक्वल टू लेंथ की जगह हो गया, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये वाला जो साइड है अब वो बी के बराबर हो जाएगा, आई बी बी एंड दिस साइन 90 इज इक्वल टू 1। हमने क्या देखा, हमने यहाँ से ये देखा अभी तक कि एफ वन का मैग्नीट्यूड और एफ टू का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, और ये आई बी बी के इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फॉर मी। बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। सो अभी मुझे हमारा लूप जो है उसकी साइड ए और बी ही नहीं है, सी और डी भी है, तो मैं पहले इसके इसके एफ वन और एफ टू के डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ। इसके डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए मुझे थोड़ा सा इस तरीके से चलना पड़ेगा। देखिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जैसे ये रॉड्स मेरे पास है, मैं उसी तरीके का एक कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप करता हूँ। तो इस कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस और ये होगी माइनस एक्स एक्सिस, और ये वाली पार्ट हो गया बाई एक्सिस और ये वाला पार्ट हो गया माइनस बाई एक्सिस, एंड दिस पार्ट इज जेड एक्सिस एंड दिस पार्ट इज माइनस जेड एक्सिस। ओके अब अपनी रॉड को आप ए बी रॉड को आप ऐसे रख दीजिए, ये इसका एंड ए हो गया, एंड ए हो गया और ये एंड बी हो गया। नाउ लेंथ ऑफ द रॉड इज अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये फोर्स एफ वन का डायरेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फोर्स एफ एम इज इक्वल, दिस इज वेरी ईजी वे, ये लेंथ हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ एल ऑफ आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, बी ऑफ के कैप, ओके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके सो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आई एल बी, जो लेंथ है ये बी के बराबर है, तो पहले मैं बेसिक फार्मूला से इसको ड्राइव कर रहा हूँ, और आई क्रॉस के का आंसर क्या आएगा, जे मिसिंग है। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर पता है, साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए आप ऐसा रखिए आई जे के, तो जब आप करते हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो आंसर आता है के कैप, जब आप करते हैं जे क्रॉस के तो आंसर आता है आई कैप, जब आप करते हैं के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई तो आंसर इसका आता है जे कैप। बट यदि आप एक बीच में से टर्म मिस हो जाती है इसी साइक्लिक ऑर्डर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई क्रॉस के करते हैं, इफ यू विल फाइंड आई क्रॉस के तो आपके पास आ जाएगा माइनस जे, यदि आप करते हैं के आई क्रॉस के, देन यदि आप करते हैं जे क्रॉस जे, अब के मिस हो जाएगा, जे क्रॉस आई तो आएगा माइनस के, फिर आपके पास आ जाएगा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो ये आ जाएगा माइनस आई, आपको ये इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब मेरे पास है आई क्रॉस के फर्स्ट वन, तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस जे, सो माइनस जे मीन्स आपका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ वन विल बी इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आप डायग्राम में देखिए यहाँ यहाँ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ वन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ वन। अब आप दूसरे एंड पर चलिए सी डी के एंड के ऊपर, तो ये आपके एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका बाई एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस बाई हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस जेड एक्सिस और ये माइनस जेड एक्सिस। अब यहाँ आप अप्लाई करिए सेम फार्मूला, यहाँ क्या लगेगा, डायरेक्शन कैसी होगी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आई ऐसे रहेगा,
अब आपका जो रॉड है वो सी डी इधर को करंट चल रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा लेंथ जो है वो माइनस आई कैप हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सेम डायरेक्शन में है, और इसको माइनस को बाहर निकाल लीजिए, आई एल बी, आई क्रॉस के क्या होगा अब देखिए जरा, आई क्रॉस के फिर माइनस जे है, माइनस जे, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ आई एल बी एंड जे कैप, दिस मीन्स दिस फोर्स इज इन नाउ अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो दिस नाउ F2 विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ जो फोर्स रहेगा F2 विल बी वर्टिकली अपवर्ड। अब हम चलते हैं, हमारे पास चार एंड हैं रेक्टेंगुलर कॉइल के, एक एंड है ए बी और सी डी को हमने डिस्कस कर दिया, फॉर बी सी सेगमेंट, बी सी सेगमेंट के लिए आप देखिए एफ एम, इसको मैं F3 का नाम दे देता हूँ आई, और इसमें जो एल है दिस इज अलोंग, इसको आप यहाँ ले जाइए, एल इज अलोंग एल इज अलोंग जेड जेड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। ओके, सो दिस के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, सो फोर्स इज इक्वल टू जीरो एज वेल एज, बिकॉज यहाँ लिख दीजिए आप के क्रॉस के हेयर इज इक्वल टू जीरो, सो F3 इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली फॉर DA सेगमेंट, फॉर DA सेगमेंट इसमें क्या होगा, F4 इज इक्वल टू आई इंटू जो लेंथ है वो माइनस के कैप, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एल बी एंड स्टिल के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो, सो F3 मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F4, बोथ आर इक्वल टू जीरो। सो व्हाट डज दिस मीन, कि आपकी जो क्वायल है इसके ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। अब हम अपने रिजल्ट के नज़दीक आ रहे हैं, हम इसको ग्रीन से मार्क करेंगे। ओके, ये आपका लूप है, इसके इस एंड के पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, और इसके इस एंड के पर जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, और ये फोर्स जो है सेंट्रल एक्सिस के किनारे लग रहा है। ओके, इसको मैं मार्क करूंगा, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये जो सारा रॉड, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है, सो एज द टॉर्क इज एक्टिंग अराउंड द एक्सिस ऑफ द लूप, तो मैं ये वाला पार्ट को आधा हो जाएगा A/2, और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा A/2। अब फोर्स और जो आपका डिस्टेंस है थ्रू द सेंटर ऑफ द करंट लूप, इसके बीच में जो एंगल है यहाँ 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब आप यूज़ कर लीजिए जो टॉर्क का बेसिक एक्सप्रेशन है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, सो हियर द कंडीशन इज दिस इज आर इज A/2 एंड एफ साइन 90 डिग्री। ओके, सो दिस विल बी द सिचुएशन, सो जो नेट टॉर्क होगा, टॉर्क नेट एट द सेंटर इज इक्वल टू A/2 एंड देन F1, तो F1 का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, A/2 F1 A/2, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट एंड दिस इज F2 एंड F1 एंड F2 बोथ आर सेम, सो ये आपके पास आ जाएगा A/2 प्लस A/2, दिस इज F1, सो दिस इज A टाइम F1 इज इक्वल टू IBB, यहाँ से उठा के रखा मैंने, ये है वैल्यू F1 की, आई पुट इट हियर, दिस इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2।
सो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए इन टू बी, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट इज ए इन टू बी? ए इन टू बी इज द एरिया ऑफ दिस करंट लूप. सो यू आर लेफ्ट विद द टॉर्क आई ए बी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट लूप placed in the external magnetic field. So I am now closing the first part of this expression by, because as at this moment my machine, with the help of which I am preparing my video, is not working properly. So I have to break this article into two parts. So I will prepare my next video related to the same torque. Till then, thank you very much. That's the equation number I will mark equation number 4. Okay.